आता है तो गाड़ी खड़ी हुई रहती है और ये बच्चे सीधी गोली मार देते हैं। क्या इंडिया भारत का कानून है या ये इसराइल का कानून चल रहा है? इसराइल में इस तरह के लोग, तो क्या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं? क्या इस मुल्क हम पैदा नहीं हुए हैं? क्या हमारे बाप दादे हमको इसलिए छोड़ के गए थे कि तुम यहाँ रहो और यहाँ पर पुलिस के जुल्म और ज़्यादा सहते रहना और तुम गोलियों से छलनी होते रहना? ये वही गोली है जिससे खेडली गाँव के इस शख्स की निर्मम हत्या कर दी गई। यह पुलिस की पिस्टल से निकली हुई ये पीतल की गोली जिसको बोलते हैं, जो कारतूस है, इसी के सहारे एक शख्स की जान ले ली गई। और ये वही जगह है, ये वारदात की जगह है जहां पुलिस ने पूरी बर्बरता दिखाते हुए इस गोली से उस शख्स को छलनी कर दिया, जो अभी भी उसकी डेड बॉडी भरतपुर के सामान्य अस्पताल में है और पूरा गाँव मातम में है और उस शख्स के आने की इंतज़ार कर रहा है। दफन करने से पहले पूरा गाँव उसको इंतज़ार में है कि कहीं ना कहीं अब कब तक ये पुलिस इस तरीके की बर्बरता दिखाती रहेगी, कब तक पुलिस इस तरीके के अत्याचार करती रहेगी, पुलिस कब तक जो सुरक्षा और सहयोग का नारा देती रही है, पुलिस कब तक इस तरीके के जुल्म और सितम ढाती रहेगी। गांव वाले इस गोली और इस कारतूस को लेकर के पूरे मीडिया के सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि इस तरीके के जुल्म और सितम करना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े करता है। डीटी न्यूज़ की टीम और उसके माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा गांव के दिल में सिर्फ यही आक्रोश और यही दुख है कि किस तरीके से पुलिस ने एक बेगुनाह और एक निर्दोष से शख्स की हत्या कर दी गई। ये देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और मीडिया के सामने लगातार ये लोग यही बोल रहे हैं कि इस तरीके से एक निर्दोष की हत्या कर देना अपने आप में बहुत बड़ी एक चूक है और अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि पुलिस की एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, जिसका अभी तक यह भी नहीं मालूम हो पाया है कि पुलिस हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान की थी। पुलिस ने यहाँ जो स्थानीय चौकी है उसको भी सूचना नहीं दी थी कि यहाँ पर आकर वो इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, उसके बाद में पता चल पाएगा क्या है पूरा मामला। हम आपको खेडली नानूपुर गांव और ग्राम पंचायत की यहां के लोगों की जुबानी पूरी जांच दिखाएंगे। और ये घुसिंगा का गांव के पास पड़ता है, राजस्थान का इलाका है और ये पूरा परिवार सदमे में है। पूरा गांव शोक की लहर दौड़ चुकी है पूरे गाँव में। मैं आपको लगातार डी टी न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा। आपकी कोई समस्या है तो आप डी टी न्यूज़ की टीम से तत्पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपके साथ लगातार हर संभव खड़े रहेंगे। इस तरीके के जुल्म सितम के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये कल ये शाम में 8:30 के दरमियान रात में ये बच्चे यहाँ पर ताप रहे थे, आग ताप रहे थे, तो पुलिस यहाँ पर आती है, आने के बाद में ना कुछ की और डालने के बाद ये बच्चे वापस खींचते हैं तो फौरन बच्चा बेचारा एक तरफ होता है तो गोली मार दी जाती है। क्या ये हिंदुस्तान का ये कानून है क्या या पुलिस का कानून है? मैं समझता हूँ शायद ये इसराइल का कानून है चल रहा है। और जब से हमारा ये मोदी जी आया है, ये जो रंडवा है, जो इसके ना बीवी ना बच्चा, इसको कुछ किसी को पता नहीं है कि बेटे की क्या हैसियत होती है, बच्चे की क्या हैसियत है, बाप की क्या हैसियत है। जब से मेवात कंदी में जुल्म हो रहा है एक मासूम बच्चे को, इतने डरे हुए हम, हमारी माँ बहनें महफूज नहीं इसी इलाके के अंदर, और हम बाजार जाते हैं तो हम डरते हैं कि ना जाने वापस आएँ या ना आएँ। ये बच्चा सिर्फ बेचारा अपने चाय पानी के लिए, चाय और चाय पत्ती और उसके लिए मीठे के लिए आया था कि चीनी हम लाएंगे और चाय बनाएंगे रात में, और यहाँ आता है तो गाड़ी खड़ी हुई रहती है और ये बच्चे सीधी गोली मार देते हैं। क्या इंडिया भारत का कानून है या ये इसराइल कानून चल रहा है? इसराइल में इस तरह के लोगों को मारते हैं इसी तरीके से, यहाँ पर जुल्म और ज्यादती हो रही है। पुलिस का कोई पता नहीं, कभी दिल्ली के बोलते हैं, कभी राजस्थान की बन के आती है, कभी गुड़गांव की बन के आती है। गाड़ी नंबर आपके पास है? गाड़ी नंबर किसी के पास नहीं है साहब। तो क्या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं? क्या इस मुल्क हम पैदा नहीं हुए हैं? क्या हमारे बाप दादे हमको इसलिए छोड़ के गए थे कि तुम यहाँ रहो और यहाँ पर पुलिस के जुल्म और ज़्यादा सहते रहना और तुम गोलियों से छलनी होते रहना? क्या हमारे बाप दादे ये गलती की थी कि तुम यहाँ पर रहो, तुम पाकिस्तान ना जाओ? क्या हमने ये गलती की है कि तुम सऊदी अरब ना जाओ, कि तुम इंडिया रहो और फिर इंडिया में तुम गोलियों की जो है बौछार से तुम्हारे सीने छले हो जाएंगे? क्या ये कानून है? उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमें इंसाफ मिल के रहेगा। हमारे कोर्ट से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें कोर्ट और इंशाल्लाह हमें हमारा हुकूमत का जो कानून है हमें मिल के रहेगा। ये जुल्म ज़्यादाती ये पुलिस की गुंडागर्दी यहाँ पर नहीं चलेगी और इंशाल्लाह कभी न कभी वक्त आएगा कि जालिम लोग, इनको फांसी लगेगी और ये को सस्पेंड किया जाएगा। ज़्यादा वक्त नहीं इंशाल्लाह इसमें जी। देखिए, अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस पूरी जांच करे, पूरी इन्वेस्टिगेशन करे, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करे, उसके बाद में उस नतीजे पर पहुंचा जाए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि किसी शख्स को एकदम से आकर के पिस्टल से भून देना और गोलियों की बौछार से उसको मौत के घाट उतार देना, ये कोई किसी सिस्टम का, किसी मामले का कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी चीज़ का कोई फैसला नहीं है। पुलिस की ये कोई एक अच्छी पहल नहीं है, ये पुलिस की पूरे तरीके से नाकामी है। ये लोगों की जवाब
परेशानी हम आपको बहुत आगे हो रहे हैं यहाँ पर। अभी जमालगढ़ के लड़का को मारा गया था छाते में, और अभी इसमें एक हरियाणा माता है एक गाँव पलूल के पास होटल के पास में, उसमें एक लड़के को मार दिया गया है। तीसरा बच्चा यहाँ पर मार दिया गया है। उससे पहले सुनेडा गाँव उसके पास में जुड़ा माता है, वो हरियाणा के बॉर्डर पर है, उसमें भी ऐसे पुलिस ने मारा था, बाकायदा उसको पुलिस पकड़ के लाई, फिर यहाँ पर पुलिस ने थाने में मार दिया था। ये पहला वाक्य नहीं है, बल्कि हम पे हमारी दाढ़ियों से दुश्मनी की जा रही है, हमारे नामों से जुल्म किया जा रहा है, और हमारे अखलाक पे किरदार पे ये लोग उंगली उठा रहे हैं और हमको बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है। ये बल्कि 1947 से लेकर आज तक इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी हुकूमत और हमारे जो जज हैं हमारे हमको इंसाफ दिलाएंगे, और पुलिस जालिमों को फांसी लगेगी, और हम चाहते हैं कि उन जालिमों को फांसी लगे जिससे आज हमारे सामने से हमारा नौजवान बच्चा जो अभी जवानी को भी नहीं पहुँचा है, जिसकी 17 साल उम्र है या 16 साल उम्र है, इतनी उम्र का है वो बच्चा, कोई उस पर कोई केस भी नहीं बन सकता, और बेचारा मासूम बच्चा है बेगुनाह, उसको जो भून दिया गया गोलियों से। दुख की बात तो यही है कि एक निर्दोष 17 साल के एक नादान लड़के को गोलियों से भून देना, यही सवाल खड़े करता है, और इसी का दुख गांव वालों को है, इसी का दुख पूरे मेवात और पूरे राजस्थान का जो लगता हुआ सीमावर्ती इलाका है, इन लोगों का यही तो रोष है, यही तो दुख है कि एक निर्दोष लड़के को इस तरीके से मौत के घाट उतार देना, ये अपने आप में पुलिस पर सवाल खड़े करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जाँच करे, इन्वेस्टिगेशन करे, जो गुनहगार है, जो कातिल है, जो पूरे तरीके से अपराध की दुनिया में अपना नाम कमा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरा गाँव पूरा इलाका इसके फेवर में नहीं है, इसकी पूरे तरीके से नहीं करता है, लेकिन ये गांव इस दुख में है, इसके पूरे तरीके से मजम्मत करता है, इसके पूरे तरीके से इसका बायकॉट करता है, कंडम करता है कि एक निर्दोष लड़के को इस तरीके से मार देना, ये पुलिस और पुलिस की नाकामी पर पूरे तरीके से सवाल खड़े करता है। ये अपने आप में एक जांच का विषय है, और जांच के बाद जो कुछ निकल करके सामने आएगा हम आपको तुरंत अपने कैमरा के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।